जयपुर से खबर है जहां सीएम गहलोत आज गंगापुर सिटी और नीम का थाना दौरे पर रहेंगे। गहलोत गंगापुर सिटी के वटोदा बामन बास पहुंचेंगे। वाटोदा में सीएम गहलोत जनसभा को संबोधित करेंगे। वाटोदा से मुख्यमंत्री नीम का थाना जाएंगे और नीम का थाना में नेहरू पार्क में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद सीएम गहलोत जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोहर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोहर, मुख्यमंत्री गहलोत आज चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। गंगापुर सिटी और नीम का थाना में मुख्यमंत्री के आज दौरे हैं, जनसभा को वो संबोधित करेंगे। क्या कुछ उनके कार्यक्रम यहाँ रहने वाले हैं? हाँ जी, मैं बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज लगभग 11:30 बजे गंगापुर सिटी जिले की बामनबाद तहसील में जो है एक कस्बा है बाटोदा, वहां पर एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए तैयारियां कल से ही तैयारियां शुरू हो चुकी है और मैं मौके पर मौजूद हूं। और सुबह से ही जो है 6 बजे से ही कार्यकर्ता है उनका पहुंचना शुरू हो चुका है और लगातार कार्यकर्ता तैयारियों में जुटा हुआ है। साथ ही जो पुलिस और प्रशासन है वो भी पूरी तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और लगभग जो विधायक इंदिरा मीणा है वो भी लगभग थोड़ी ही देर में यहाँ सभा स्थल पर पहुंचने वाली है, जैसा कि अभी हमें सूत्रों के हवाले से पता चला है। और आसपास के जो एरिया है उसमें एक मेन पॉइंट है ये, ताकि इस जगह को चिन्हित किया गया है ताकि जो गंगापुर सिटी विधानसभा है और बामनबाद विधानसभा है, सीएम गहलोत दोनों ही आज का जो उनकी जो सभा रहेगी और दोनों ही विधानसभा सीटों पर असर डालेगी और कहीं ना कहीं जो है एक वोट बैंक है उसको साधने का प्रयास किया जाएगा सीएम अशोक गहलोत की एक बड़ी सभा के माध्यम से, क्योंकि दोनों ही जो विधानसभाएं हैं वो बिल्कुल नजदीक है और इन दोनों ही विधानसभा का ये सेंटर पॉइंट पड़ता है, इसलिए ये जगह का चुनाव किया गया। गंगापुर सिटी संवाददाता मनोहर लाल गुप्ता, जानकारी के लिए धन्यवाद मनोहर।